हेमोर मार्टन लिपसीट इस डिस्कशन के अंदर वी आर गोइंग टू हाईलाइट द फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रीब्यूशन बाई लिप इन द फील्ड ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी लिपसीट का खास जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पोलिटिकल सोशोलोजी के कॉन्टेक्ट के अंदर वो इसलिए ज़्यादा है कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे मौजूद पर फिलोसफिकल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जो इससे पहले के पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट जो थे वो उस पर बात बहुत खुल कर नहीं करते थे तो हम ये कह सकते हैं कि लिपसेट की डिबेट के बाद बिलखसूस जो डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने बात की ट्रेड यूनियंस के बारे में बात की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए तो इस सब के बाद पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर था वो और ज़्यादा रिच हो गया तो इस वजह से इनकी फिलॉसफी को समझना इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को समझना जो है वो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर होता है बेसिकली एलिपसेट वॉज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट एंड हिज मेजर वर्क वॉज इन द फील्ड ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी ट्रेड यूनियंस और ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन सोशल स्ट्रटिफिकेशन

तो ये एक नई डोमेन जो है वो इवॉल्व हुई कि जो भी लोग जो सोसाइटी के अंदर मूव करते हैं वो किस तरीके से सोशोलॉजी को डिटरमिन करते हैं उनकी डिबेट्स के थ्रू नए कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व होते हैं और फिर उन कॉन्सेप्ट की वजह से माशरा जो है उसके अंदर कौन सी नई डिबेट्स कौन से नए डायलॉग जो हैं वो जन्म लेते हैं और उससे फिर फिक्री तमीर होती है उस माशरे की फिर ख़ास तौर पर ही रोड एक्सटेंसिवली अबाउट द कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी इन कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव। अच्छा डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है इस पर तो सदियों से बात हो रही है इवॉल्व हुआ ये कॉन्सेप्ट लेकिन जो लिपसेट की कॉन्ट्रीब्यूशन है उन्होंने कंपेरेटिव प्रस्पेक्टिव दिया अब कंपेरेटिव प्रस्पेक्टिव जो है वो खुद अपनी ओपिनियन की बुनियाद पर तो नहीं दिया जा सकता उसके लिए उन्होंने बाकायदा रिसर्च प्लान के ज़रिए एक मेथडोलॉजी इवॉल्व की और फिर उसके उसके जरिए उन्होंने अपने नज़रियात को कंपाइल किया और फिर लोगों तक कम्युनिकेट किया और ख़ास तौर पर जो अगर हम देखें कि ख़ुद लिपसेट ने जो अपने करियर का आगाज़ किया तो उनकी जो आगाज़ में जो उनका ताल्लुक रहा वो उन्होंने आ, जो राइट परस्पेक्टिव था उनके साथ उनकी एफ़िलिएशन ज़्यादा थी बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उस कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव को छोड़ कर जो है वो आगे की तरफ उन्होंने अपनी फिक्री जो एफिलिएशन थी उसको इवॉल्व किया और फिर उसके साथ साथ जो लिपसेट की कॉन्ट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्पेसिफिकली इन सेकेंड हाफ़ ऑफ़ द टेंटी सेंचुरी उसमें हमें नज़र ये आता है कि जो फील्ड ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो ख़ुद साइंटिफिक बेसिस पर अपनी हैसियत को मनवा रहा था उस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि ऐसे लोग अपनी तहरीरों के ज़रिए इस डिसप्लिन की तरक्की के अंदर इस डिसप्लिन के सब्जेक्ट मैटर के अंदर कंट्रीब्यूट करें ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अब खास तौर पर एक ऐसा सेपरेट डिसप्लिन है जिसकी अपनी हैसियत है जिसके अंदर अपने टॉपिक्स हैं अपना सब्जेक्ट मैटर है और जो लिखने वाले हैं जो मुख्तलिफ़ दुनिया के अंदर बड़े बड़े फिलोसफर्स जो काम कर रहे हैं उनके पास ऐसे मौजूद हैं कि जिनके ऊपर उनकी तहरीरें जो हैं वो लोगों के अंदर माशरे के अंदर स्टेट और सोसाइटी के अंदर एक नई डिबेट को क्रिएट कर रहे हैं तो लिपसेट का नाम जो है वो एक ऐसे ही पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर जाना जाता है जिनकी तहरीरों ने इस हद तक कंट्रीब्यूट किया कि उनके दिए हुए मेथड उनके दिए हुए जो कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा काम जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और किया जा रहा है सो so, uh, लिपसेट की जो एक और कंट्रीब्यूशन है कि उस पर उन्होंने इंडिविजुअल जो टॉपिक्स थे उनके साथ साथ उनका बहुत ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा वो ऐसे टॉपिक्स टौप, के ऊपर भी रहा जो सिर्फ फिनिना या आइडियाज़ की बेस पर नहीं थे बल्कि प्रैक्टिकल रिसर्च के थ्रू जो है उन्होंने सर्टेन कंकलूजन्स भी ड्रॉ किए और अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन्स भी दी हैं सो ओवर अ पीरियड ऑफ फिफ्टी ईयर्स ही प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव बुक्स एंड एडिटेड एन अदर ट्वेंटी फाइव एंड ही रोट आलमोस्ट फोर एटी फाइव आर्टिकल्स एंड कमेंट्रीज अब अगर हम ये देखें कि ये इतना बड़ा और ही नंबर है कि एक शख्स जो है वो एक सब्जेक्ट के तनाजुर में उसके मौजूद पर पच्चीस किताबें तहरीर करता है और फिर एडिट करता है दूसरों के लिखे हुए मटीरियल को भी एडिट करता है और एक शक्ल देता है फिर ख़ास तौर पर जो उनके अपने आर्टिकल्स का नंबर है वो इतना बड़ा है जिससे ये अंदाज़ा होता है कि जो लिपसेट का जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल सोशोलोजी पॉलिटिकल सोशोलॉजी के टॉपिक्स के तनाजुर में वो इतना ज़्यादा है इसी वजह से उनका नाम जो है वो बिलखसूस जदीद पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट में बहुत ज़्यादा टॉप रैंकिंग में कंसिडर होता है सो ही एक्चुअली द इश्यूज़ दोज आर ऑल दो दे आर क्लासिकल कोशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल कैनन्स। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उन्होंने जदीद टॉपिक्स के ऊपर लिखा और जो क्लासिकल टॉपिक्स थे या कुछ मिसाइल जो शुरू से ही माशरों के अंदर दरपेश थे उनको इग्नोर किया बल्कि लिपसेट का जो बहुत इम्पॉटेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने उन क्लासिकल टॉपिक्स को भी इग्नोर नहीं किया बल्कि उन मौजूद के ऊपर भी अपनी तहरीरें जो हैं वो लिखीं और फिर जो उनका इम्पेक्ट था जो क्लासिकल टॉपिक्स का एक इम्पेक्ट था इन मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर उस भी स्टडी की उन्होंने यानि कदीम तारीखी हवाले देकर मॉडर्न जो टाइम पीरियड के इश्यूज थे उनको रिलेट किया इसीलिए उनकी जो तहरीरें हैं वो कंपेरेटिव एनालिसिस में कंसिडर होती हैं कि जमाने के उतार चढ़ाव भी उनके मौजूद में शामिल रहे हैं सो हिज़ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हिज़ मेजर रोल इज़ बेसिकली इन द ए एरियाज़ स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में चूँकि कॉन्ट्रीब्यूट किया और वहाँ पर लिखा तो हम ये कह सकते हैं कि जो आ, लिपसेट की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उनके पियर्स के अंदर उनके कंटेम्प्रेरीज़ के अंदर तो इम्पॉटेंट कंसीडर होती ही है उसके साथ साथ जो फौरी तौर पर बहुत सारी ऐसी अमेरिकन जो पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशंस थी जो सोशोलॉजिकल एसोसिएशंस थीं उन दोनों मज़ामीन के लोगों ने ही इनको अपना एक्सपर्ट भी कंसिडर किया और अपनी एसोसिएशंस का हिस्सा बनाया इस वजह से लिपसेट का स्टेटस मॉडर्न पॉलिटिकल सोशोलॉजिट के अंदर एक बहुत यूनिक स्टेटस है उनकी कंट्रीब्यूशन, उनके मौजूद उनकी तहरीरें उस सब की सब किसी भी पॉलिटिकल सोशोलॉजी के स्टूडेंट के लिए एक इंतहाई अहम सोर्स जो हैं वो कंसिडर की जाती